हम इस शो को खत्म करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक डोज ऑफ टॉप 9 आपके सामने, आइए देखते हैं। बिहार विधानसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पास, संगठित अपराध पर 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान, गड़बड़ी में शामिल लोगों को 3 से 5 साल तक की होगी जेल, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित, मेडिकल के लिए होने वाली परीक्षा से बंगाल को बाहर रखने की मांग, तमिलनाडु विधानसभा में पारित हो चुका है इस तरह का प्रस्ताव। बड़ी खबर, दिल्ली में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल, 8 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए, LG ने दिल्ली सरकार के अधीन और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के विभागों में आधा दर्जन से ज्यादा IAS और डेनिस्क अधिकारियों के तबादले किए। अग्निवीरों के लिए CISF BSF का बड़ा फैसला, भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। बड़ी खबर, मैसूर लैंड स्कैम पर हंगामे के बाद कर्नाटक विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित, BJP के विधायक आज रात सदन में ही रुक कर देंगे धरना, लैंड स्कैम पर चर्चा की मांग। INS ब्रह्मपुत्र शिप में लगी आग के बाद लापता सेलर जितेंद्र सिंह का शव बरामद, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने शिप का दौरा किया, घटना की जांच के साथ शिप में जल्द दोबारा शुरू होगा ऑपरेशन। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, यथास्थिति बनी रहेगी, पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने कहा अब केंद्र सरकार को किसान की बात सुनाई पड़ेगी और इसका हल निकलेगा। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में पुलिस अफसरों पर चलेगा मर्डर का केस, कोर्ट ने पुलिस कर्मियों को 302 का आरोपी बनाया, CBI की क्लोजर रिपोर्ट खारिज। और सूरत में तेज बारिश के बाद डूबे कई गांव, पुलिस और NDRF की टीम ने 9 घंटे तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 130 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अपना ख्याल रखिए, आज के लिए बस इतना, ये हमें फिक्र आपकी हमेशा रहती है, कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन अभी ब्रेक के बाद भारत का ब्रह्मास्त्र ड्रैगन गिरी पर पूर्ण राउंड।